पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने गाजीपुर से दिल्ली की दूरी को भले ही कम कर दिया हो, लेकिन इसी एक्सप्रेसवे को लेकर राजनीति भी अब जोरों पर हो रही है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को ये पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे लखनऊ से जोड़ता है और उसके बाद दिल्ली की राह तो आसान है, लेकिन राजनीति की राह ये एक्सप्रेसवे किस पार्टी के लिए आसान करेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बीजेपी इस एक्सप्रेसवे को लेकर खूब उतरा रही है तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दरअसल फीता कहीं और से आया, कैंची कहीं और से, और समाजवादी पार्टी के कामों का श्रेय लेने के लिए बीजेपी आगे आ गई। जबकि कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि आनन फानन में सुरक्षा मानकों को तोड़कर इसका उद्घाटन किया है, जो जल्दबाजी में ठीक नहीं था। इस तरह से विरोधी दलों के निशाने पर है बीजेपी, लेकिन बीजेपी इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए पूर्वांचल में एक बार फिर से सत्ता की राह देख रही है ताकि लखनऊ की गद्दी पर वो विराजमान हो पाए। अखिलेश यादव को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आ जाने से रोक दिया गया हो, लेकिन उनके कार्यकर्ता यहां पहुंच गए और सिर्फ यहां पहुंचे नहीं बल्कि फूल बरसाकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने लगे। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा था कि फीता आया लखनऊ से, नई दिल्ली से आई कैंची, सपा के काम का श्रेय लेने को मची है खिचम खिचाई। उनके आदेश पर जब कार्यकर्ता फूलों के साथ गाजीपुर के हैदरिया पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। यहां पर अखिलेश यादव का कल विजय रथ पहुंचना था, लेकिन उसकी अनुमति आज के लिए नहीं मिली और अब कल ये रथ पहुंचेगा। अखिलेश की विजय रथ यात्रा को भी पीएम मोदी के कार्यक्रम की वजह से कल तक के लिए टाल दिया गया, लेकिन कल अखिलेश यादव गाजीपुर से लखनऊ तक इसी एक्सप्रेसवे के जरिए रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं। पहले ये रथ यात्रा गाजीपुर से आजमगढ़ तक ही थी, लेकिन एक दिन कार्यक्रम में देरी की गई तो अखिलेश ने रथ यात्रा बढ़ा दी। ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा शुरू कराया गया एक्सप्रेसवे है। ये जनता के पैसे से बना है और आज खुशी का मौका है कि आज एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है और आज उद्घाटन करने के उद्देश्य से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी यहाँ पर आ रहे थे उसी तारीख पर, लेकिन इन लोगों ने जानबूझ करके तानाशाही रुख अपनाते हुए हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रोका है। कल उनके गाजीपुर पहुँचने से पहले ही एक्सप्रेसवे का श्रेय देने वाले बैनर लग गए। वहीं समाजवादी सवाल उठाते दिखे कि लोकार्पण के दिन बॉर्डर से रास्ता बंद क्यों किया गया। ये पहली बार देखा जा रहा है कि जो चीज जनता के लिए दी जा रही है उसको जनता को ही चढ़ने के लिए रोका जा रहा है। चल पलक झपक बेधड़क धड़क। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का श्रेय लेते हुए एक वीडियो जारी किया था। अखिलेश यादव का आरोप है कि योगी सरकार ने समाजवादी एक्सप्रेसवे का नाम बदला और आनन फानन में इसका लोकार्पण किया। आधा अधूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है और जो काम समाजवादी पार्टी 4.5 साल पहले कर चुकी उसी काम को आज सरकार कर रही है। इनके पास कोई नया काम भी नहीं है दिखाने को जनता के लिए। तो अखिलेश जी जो है वो अब छोटे बच्चे नहीं रह गए हैं, मुख्यमंत्री पूर्व में रहे हैं। अब उनको एक तो जो कहते हैं ना कहा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो नहीं करना चाहिए। और दूसरे अब छोटे बच्चे नहीं हैं कि वो बात बात पे रोने लगें। आप भी काम करते तो आज आपका ये हाल नहीं होता।